प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रमिकों को लेकर जा रही बस पलट गई है। प्रयागराज से आपको खबर बता देते हैं, हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, सवार बाद श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस, 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी, सवारनबागगंज के साहसपुर के पास यह हादसा हुआ है। श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस पलट गई है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, आपको बता दें इस हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी, सवारनबागगंज के साहसपुर के पास यह हादसा हुआ है। श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस पलट गई है। आपको बता दें इस हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस पलट गई है और इस हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें ये बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी, 24 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में रेफर किया गया है। श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस, श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस पलट गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं इस हादसे में, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये बस जयपुर से बंगाल जा रही थी और ये घटना है कि वहाँ बस खाई मिली थी, जहाँ थाना अंतर्गत खाई मिली पड़ते थे और कई व्यक्ति उसमें घायल हो गए हैं, जबकि उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद है। जी जगदीश, घायलों की स्थिति कैसी है? घायलों की स्थिति को कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बनी है और कुछ लोगों की जी। इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी, घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, श्रमिकों को लेकर जा रही थी बस पलट गई है और इस हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं, सभी को अस्पताल में रेफर किया गया है।